टेस्ट होने के 1-1.5 घंटे बाद ही हमारा टेस्ट चेक होके आ गया और मेरे मार्क्स आए। तो यार मैंने अपना फर्स्ट वीक ऑफ ITT का एक्सपीरियंस तो पूरा आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद यार वो वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि जिन्होंने भी अभी ITT स्टार्ट नहीं करी या फिर स्टार्ट होने वाली उनकी, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें कंडक्ट होती है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम माय फ्रेंड शुभम एसोसिएट इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो यार 6 जनवरी को मॉड्यूल 1 का टेस्ट हुआ, जिसमें वही सब चीज़ें थी, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो बेसिक्स कंप्यूटर की नॉलेज होती है, तो उन सब चीज़ों का टेस्ट था। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब पता था MCQ बेस्ड आने वाले हैं, बट जो उनका डिफिकल्टी लेवल है वो सब नहीं पता था कि किस टाइप का आने वाला है। आप सब बहुत लकी हो बिकॉज आपके साथ मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस किस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं और कैसे कैसे पेपर आया था, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो या फिर आगे जाके कुछ गलती ना करो। तो भाई आज है डे 8 और आज मेरा मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम है, जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है और 50 मार्क्स का होगा टोटल। बट उसमें से हमको 50% लाने पड़ेंगे, मतलब 25 मार्क्स हमें एटलीस्ट लाने पड़ेंगे इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो अभी मैंने ऑटो बुक करी है। Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तब सर ने जो मॉड्यूल 1 के डाउट्स थे वो लेना चालू कर दिया, ताकि सबसे पहले सबकी क्वेरीज ख़त्म हो जाए, उसके बाद अच्छे से बच्चे ना टेस्ट दे पाए। तो इस वजह से उन्होंने डाउट सेशन लिया एक लंबा सा। नीचे कैलकुलेट किट, क्लिक करवा आउटपुट आ रही थी उसके अंदर, यहाँ से आप चेक कर दो। बाय डिफॉल्ट होता है हमारा ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी करोगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको शो करता है। अगर आप क्लोज कर दे तो पेपर क्या होता है, अगर क्लाइंट की शीट आती है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बंद होती है, तो परेशान होते हैं यार। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कहाँ कहाँ से किया था, मतलब मैंने कौन कौन सा मटेरियल रेफर किया था एंड मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी थी। तो एंड तक वीडियो के बने रहना। टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमको 50% स्कोर करना पड़ता है, मतलब 50 क्वेश्चंस में से हमको 25 मार्क्स एटलीस्ट हमको लाने पड़ेंगे टेस्ट को क्लियर करने के लिए। देन टेस्ट के बाद हमारा फिर टी ब्रेक हुआ, और टी ब्रेक पे मैं जब नीचे गया तब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, तो उन्होंने कहा कि यार तू व्लॉग में नहीं लेगा क्या हमको, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, हाय कर दो। हाय कर दो यार, हाय हाय शुभम भाई, फॉलो शुभम पेज। टेस्ट होने के 1-1.5 घंटे बाद ही हमारा टेस्ट चेक होके आ गया और मेरे मार्क्स आए 33। सबके इतने इतने ही अप्रॉक्स मार्क्स आए थे, मतलब 3 की लाइन में ही मार्क्स आए थे। मेन पॉइंट है कि आपका टेस्ट क्लियर हो गया ना, दैट्स इट। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि आप सबको पता है कि PW एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बता रखा है कि PW लेकर आ चुका है CA वाला, जहाँ पर आपको मिलेंगी इंडिया के टॉप फैकल्टीज एंड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। एंड एक गुड न्यूज़ बताऊँ, रिपब्लिक डे ऑफर में आपको CA वाला के सभी कोर्सेज पे मिल रहा है डिस्काउंट फ्रॉम 21 जनवरी टू 31 जनवरी। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुका है संपूर्ण बैच, जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 2 जनवरी एंड द प्राइस इज 3200 ओनली। NCA इंटर वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है उदेश बैच, जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 20 जनवरी से एंड द प्राइस इज 5200 ओनली। एंड अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच फॉर ओनली 2000 रुपीज़ एंड उदेश फास्ट ट्रैक बैच
फॉर ओनली 3200 रुपीज़। एंड अगर आप PW के कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मेरा कोड SG250 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड यू विल गेट 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो टीचर पढ़ा रहे थे ना, उसको मैंने ध्यान से सुना, बिकॉज जो हम प्रैक्टिकली समझते हैं ना वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगी। तो जो सर पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से सुना, जो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि ये नोट कर लो या फिर ये MCQ में आ सकता है, तो वो मैं लिख लेता था। एंड सबसे पहले मैंने ये रिवाइज किया था एग्ज़ाम से पहले, जो उन्होंने पॉइंट्स लिखवाए थे, फिर जो भी मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे बट कुछ बनाए थे, तो वो मैंने पहले रिवाइज किया। देन कुछ PDFs होती हैं जिसमें बहुत सारे MCQs होते हैं, तो वो मैंने रेफ़र किया था। हालांकि पूरा पेपर उसमें से नहीं आता, बट कुछ ना आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ में, तो फिर मैंने वो रेफ़र किए थे। हालांकि सारे क्वेश्चंस तो आप याद रख नहीं पाओगे, बिकॉज हम भी इंसान हैं, तो आप एक बार ना रीड तो कर ही लेना सारे जो MCQs हैं, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हाँ यार ये थोड़ा पढ़ा सा है क्वेश्चन, तो आप कम से कम अटैम्प्ट तो ज़रूर कर पाओ, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बस मैंने यार ऐसे ही प्रिपेयर किया था। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ ऑल अबाउट ITT एंड OC, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको एनरोल करना होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितने कितने टेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कितनी मॉड्यूल्स होती हैं, ये सब कुछ प्रोसीजर, कितनी फीस होती है, ये सब कुछ प्रोसीजर मैं एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen.